हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल एडुमिशन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स पर प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोगों ने परसेंटेज का सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दिया था। आज चलिए एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा दूं, सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता क्या है। मैंने ये कहा था कि जब किसी वस्तु पर कुछ परसेंट इंक्रीमेंट होता है, उसका मूल्य में सपोज है 5% या 10% की वृद्धि होती है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर उसके मूल्य में 5% या 10% की वृद्धि होती है, तो फाइनल उस वस्तु के मूल्य में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, कितना परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ रहा था। इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था, अगर किसी वस्तु में 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, बाद में अगर उसमें 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मैंने इसका एक आप लोगों को फॉर्मूला दिया था। अगर इसको हम लोग एक्स मान लें, अगर इसको वाई मान लें, तो इसका क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। दोस्तों, ये फॉर्मूला का यूज हम तभी करेंगे जब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2% दिया हुआ है। अगर 2 से अधिक दिया रहेगा, अगर 10% 20% 25% दिया रहेगा, तब ये फार्मूला हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड है, आप 100 मान के भी बना सकते हैं कि सपोज आप मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, पहले उसके मूल्य में 10% का इंक्रीमेंट हुआ, तो उसका नया मूल्य कितना हो गया, 110 रुपया। अब क्या कर रहा है, उसके मूल्य में 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसका फिर नया मूल्य क्या हो जाएगा, 110 का 20% हो जाएगा। 110 का 20% कितना होता है, मतलब हो गया कि 132 रुपया हो गया। अगर 110 में हम 22 रुपया जोड़ेंगे तो 132 रुपया हो गया। तो इस तरह से हमारा फाइनल इंक्रीमेंट हो गया। तो कितना परसेंटेज बढ़ गया, पहले हमारा था 100 रुपया, बाद में हमारा आ गया 132 रुपया, तो कितना का इंक्रीमेंट हुआ, 32 का इंक्रीमेंट हुआ। कितना में हुआ, तो 100 में हो गया, तो कितना परसेंटेज हो गया, ये हमारा 32% हो गया, 32% का इंक्रीमेंट हो गया। ये हो गया दूसरा मेथड। पहला मेथड मैंने क्या बताया, एक फार्मूला से, इस पर हम लोगों को काम नहीं करना है, ना तो इस पर हम लोगों को काम करना है, ना ही इस पर हम लोगों को काम करना। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो सबसे बेस्ट मेथड है, आप लोग एग्जाम में इसी को अप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा कि आप कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम, किसी भी इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। वो तीसरा मेथड क्या है वो मैं बता रहा हूँ, जो कि सबसे बेस्ट मेथड है। तीसरा मेथड क्या है, मैंने बताया, अगर 10% की इंक्रीमेंट हो रहा है, बाद में 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मैंने क्या, अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा, 10% का क्या मतलब होता है, 1/10 होता है, 20% का क्या मतलब होता है, 1/5 होता है। अब क्या कह रहा है कि कोई वस्तु पर 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब अगर पहले उस वस्तु की कीमत, पहले उस वस्तु की कीमत अगर 10 रुपया थी, पहले 10 रुपया या 10 यूनिट मान ले, चूँकि जो फ्रैक्शन होता है या रेशियो वाला होता है, इसमें रुपीज नहीं होता, इसमें यूनिट होता है। अगर पहले उस वस्तु की कीमत 10 यूनिट थी, बाद में कितना ऊपर रहा है, इंक्रीमेंट कितना का हो रहा है, 10% का हो रहा है, तो 10 का 10% कितना हो गया, 1 हो गया, तो इतना का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इतना हम जोड़ देंगे, तो बाद में उसका कीमत कितना हो जाएगा, 11 यूनिट हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि उस वस्तु में 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 20% का क्या मतलब हो गया कि पहले अगर 5 था उसका कीमत, तो बाद में उसका इंक्रीमेंट कितना का हुआ, 1 यूनिट का हुआ, तो 1 यूनिट का हुआ, तो बाद में इसकी कीमत कितना हो गई, 6 यूनिट हो गया। अब देखते हैं ओरिजिनल इसका कीमत कितना था, और बाद में जब इंक्रीमेंट हो गया तो बाद में कितना आया। तो इसमें क्या करेंगे, जो हम इस दोनों में जो कॉमन टर्म्स होंगे उसको हम लोग कैंसिल करेंगे। अगर 2 से इसको करते हैं तो ये 3 हो गया, 2 से करते हैं तो 5 हो गया। तो इसका ओरिजिनल कीमत कितना था, 25 यूनिट, और बाद में इसका कितना हो गया, 33 यूनिट। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट कैसे कितना हुआ, यहाँ पे इंक्रीमेंट 8 यूनिट का हुआ, यहाँ पे इंक्रीमेंट 8 यूनिट का हुआ, कितने पे हुआ, तो 25 पे हुआ। तो कितने पे हुआ, क्योंकि हमारा ओरिजिनल तो यही है, उसकी कीमत 25 यूनिट ही है, तो इंक्रीमेंट बाद में कितना हो गया, 33 हो गया। तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ, 25 से 33 में कितना हुआ, 8 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ, कितने में, तो 25 में। तो अगर इसका परसेंटेज निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, मतलब 32% का इंक्रीमेंट हुआ। अभी हम लोगों ने देखा जो पहले मेथड से बनाया उसमें भी 32% का इंक्रीमेंट, जो दूसरे मेथड से बनाया उसमें भी 32% का इंक्रीमेंट, और तीसरे मेथड जो सबसे बेस्ट मेथड है इसमें भी 32% का मेथड है।
तो एग्जाम में जब भी इस तरह का सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का कोई भी क्वेश्चन आए तो हम लोग इसी मेथड पे काम करेंगे। आइए इसका हम लोग एक दो एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अब कह रहा है कि सपोज अगर किसी वस्तु पर 10% का इंक्रीमेंट हुआ, फिर बोला है 20% का इंक्रीमेंट हुआ, फिर बोला है 30% का इंक्रीमेंट हुआ, तो फाइनल कितना इंक्रीमेंट हुआ? तो 10% का भी हम लोगों ने क्या सीखा? 1/10। 20% का हम लोगों ने क्या सीखा? 1/5। और 30% का क्या होगा? 30/100, मतलब 3/10। यही होगा। तो हम लोग लिखेंगे पहले उसकी कीमत कितना थी, बाद में कितना हुआ। ठीक है, तो पहले कितना था? 10, बाद में इंक्रीमेंट हो गया कितना हो गया? 10+1 करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों? 11। फिर बोल रहा है कि 20% का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब पहले 5 थी, इंक्रीमेंट हो गया कितना होगा? 5 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6। फिर बोला 30% का इंक्रीमेंट हो रहा, तो 30% में ओरिजिनल क्या है? 10, बाद में इंक्रीमेंट हो गया कितना बड़ा? +3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से कैंसिल कर देंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा? 250। और ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 39 × 11, ये हो गया 99। ये हो गया हमारा 429। इंक्रीमेंट कितना का हो गया? 429। टोटल इंक्रीमेंट पहले कितना था? ओरिजिनल नंबर 250, बाद में कितना हो गया? 429 हो गया। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 429 में से अगर 250 हम लोग घटा दे तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 7, ये बच गया 175। कितना में इंक्रीमेंट हुआ? 250 में हुआ। कितना परसेंट अगर हो गया, परसेंटेज निकालेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 300/5, मतलब 60% का इंक्रीमेंट फाइनल होगा। देखिए दोस्तों, पहले क्या बोल रहा था कि 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, 20% का हो रहा है, उसके बाद 30% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो फाइनल इंक्रीमेंट हमारा कितना होगा? बहुत बार सारे बच्चे क्या करते हैं कि तीनों को जोड़ के निकाल देते हैं, ऐसे नहीं करना। अगर तीनों को जोड़ते तो कितना होता? जो तीनों को जोड़ के हम लोगों को नहीं निकालना, वो मेथड गलत है। हम लोग इस मेथड पे ही काम करेंगे, 10% का 1/20, 20% का 1/5 और 30% का, ऐसे करके पहले कितना था, बाद में कितना था, उसका फॉर्म लिख के इस अनुसार हम लोग को निकालना है। तो ये तो था सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का एग्जाम्पल। इसका एक एग्जाम्पल और देखें, उससे क्लियर होगा। अब क्वेश्चन कर रहा है, एक दो क्वेश्चन लिख करेंगे जो कि अभी तक प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं डिफरेंट एग्जाम पे। इसमें बोल रहा है ए मैन स्पेंड 5% ऑफ हिज इनकम, ए मैन स्पेंड 5% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड and 20% of the remaining on transport, 20% of the remaining on transport, and he still left, left 1520 rupees in his pocket, find his income, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या कह रहा है, a man spent 5% of his income on food and 20% of the remaining on transport and he still left 1520 rupees in his pocket, find his income, मतलब एक मनुष्य अपने इनकम का, मतलब एक मनुष्य की जितनी आय है उसका क्या कर रहा है, 5% वो अपने भोजन पे खर्च करता है।
एक मनुष्य अपनी आय का 5% भोजन पे खर्च करता है और जो शेष उसके पास बचता है उसका 20% ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है। और 20% ट्रांसपोर्ट में खर्च करने के बाद उस व्यक्ति के पास कितना बच जाता है, तो 1520 रुपया बच जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उस व्यक्ति की इनकम कितना है, उस व्यक्ति का आय कितना है, ठीक है। इसको दोस्त हम लोग कैसे बनाएंगे, 5% का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, 1/20। 20% का हम लोग क्या जानते हैं, मतलब 1/5। मतलब अगर पहले इसका इनकम, मतलब ओरिजिनल में इसका इनकम जो है क्या था और खर्च करने के बाद इसका रिमेनिंग क्या बचा, वो हम लोग देख लेंगे। पहले इनकम क्या था, मतलब इनकम का 5% क्या कर रहा है, फूड पे खर्च कर रहा है। मतलब अगर 20 यूनिट इसका इनकम है तो उसका 5% कितना होता है, 1 होता है। मतलब अगर इसका इनकम अगर 20 यूनिट है तो खर्च करने के बाद कितना बचेगा, तो 20 में से एक माइनस हो जाएगा, मतलब रिमेनिंग इसके पास कितना बचा, 19 यूनिट, ठीक है। फिर बोल रहा है शेष का 20% ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है, तो 20% का क्या मतलब होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब इसका अगर इनकम 5 था, इसका 20% मतलब एक खर्च कर दिया, तो 5 में से अगर एक माइनस कर देते हैं तो बाद में इसके पास रिमेनिंग कितना बच जाता है, 4 बच जाता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो कॉमन नंबर होंगी, जो कॉमन चीजें होंगी वो कैंसिल हो जाएगी। अगर इसको हम लोग कैंसिल करते हैं तो ये हो जाता है 5। मतलब इसका ओरिजिनल में इनकम कितना था, 25 यूनिट था, और खर्च करने के बाद कितना बच गया, तो 19 यूनिट बच गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो खर्च करने के बाद इसके पास टोटल कितना रुपया बच रहा है, तो 1520 रुपया बच रहा है, और यहाँ कितना आ रहा है हमारा, 19 यूनिट आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा 19 यूनिट है ये हमारा कितने के बराबर होगा, 1520 के बराबर होगा। इसलिए 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 1 यूनिट हो जाएगा 1520/19। इसका जो वैल्यू आएगा वो 80 रुपीज आएगा। मतलब एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से 80 रुपये आ गया। और हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हमारा जो ओरिजिनल इनकम है वो कितना हमारे पास, वो 25 यूनिट है। तो टोटल इनकम हमारा कितना हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू 80 रुपीज, तो 25 यूनिट का वैल्यू 2000 रुपीज। तो उस व्यक्ति की इनकम कितनी हो जाएगी, 2000 हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से किसी भी एक क्वेश्चन को हम लोग सोचते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, एग्जाम में भी हम लोगों को इसी तरह करना है। और ये दोस्तों एक बार से नहीं आएगा, जब 2 बार 3 बार 4 बार किसी क्वेश्चन को हम बनाएंगे, एक ही टाइप के बनाएंगे, तब एग्जाम में भी क्लिक करता है कि हमको किस क्वेश्चन को किस विधि से किस मेथड से बनाना है। तो मैं तो यहाँ दोस्तों आप लोगों को बता रहा हूँ, प्लीज़ आप अपने घर पर इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एग्जाम में आपको ये पता चल सके कि किस तरह के टाइप को हमको कैसे अटेम्प्ट करना, कैसे सोचना उस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है दोस्तों। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह के सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में। एक क्वेश्चन कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए कॉलेज, द पॉपुलेशन ऑफ ए कॉलेज, द पॉपुलेशन ऑफ ए कॉलेज इंक्रीज्ड बाय 16.2/3% ऑन फर्स्ट ईयर। बोला फिर डिक्रीज्ड बाय 37.1/2% ऑन सेकेंड ईयर एंड इंक्रीज्ड बाय 57.1/7% ऑन थर्ड ईयर। इफ द पॉपुलेशन बिकम आफ्टर 3 ईयर, इफ द पॉपुलेशन बिकम आफ्टर 3 ईयर $1,65,000, then find the
देन फाइंड द पॉपुलेशन थ्री ईयर एगो। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए कॉलेज इंक्रीज बाय 16.2/3% ऑन फर्स्ट ईयर। मतलब किसी कॉलेज का पॉपुलेशन उसके पहले साल कितना इंक्रीज कर रहा है, तो 16.2/3% इंक्रीज कर रहा है। और फिर बोल रहा है कि सेकेंड ईयर में उसका पॉपुलेशन डिक्रीज हो जा रहा है, मतलब घट जा रहा है। कितना परसेंट घट जा रहा है, तो 37.5% घट जा रहा है, मतलब 37.2% घट जा रहा है। फिर बोल रहा है कॉलेज का थर्ड ईयर मतलब तीसरे वर्ष फिर से 57.1/7% इंक्रीज कर जा रहा है। तो इस प्रकार बोल रहा है कि तीन साल बाद अगर उस कॉलेज की जनसंख्या 1,65,000 है, आफ्टर थ्री ईयर द पॉपुलेशन ऑफ द कॉलेज इज 1,65,000, देन फाइंड द पॉपुलेशन थ्री ईयर एगो। अगर तीन साल बाद कॉलेज की जनसंख्या 1,65,000 है, तो तीन साल पहले उस कॉलेज की क्या जनसंख्या थी, इसको हमको निकालना है। तो ये भी तो हमारा सक्सेसिव इंक्रीमेंट का है कि एक साल हमारा बढ़ रहा है, दूसरा साल घट रहा है, फिर तीसरा साल बढ़ रहा है। तो इसको भी हम लोग वही मेथड से बनाएंगे जिसका मेथड से आप लोगों ने भी सीखा है। तो क्या बोल रहा है, 16.2/3% 16.2/3% का क्या मतलब होता है, इसको तो हम लोगों ने पहले क्लास में सीखा कि इसका मतलब होता है 1/6। फिर क्या बोल रहा है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब फर्स्ट ईयर, ये जो एरो है इसका मतलब हो रहा है कि फर्स्ट ईयर इतना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, मतलब 1/6 इंक्रीज हो रहा है। फिर क्या बोल रहा है, सेकेंड ईयर क्या बोला, 37.1/2, तो 37.1/2% का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 3/8। इसको अगर फ्रैक्शन में निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 3/8। ये 3/8 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि सेकेंड ईयर में पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे एरो मार्क्स, मतलब सेकेंड ईयर में हमारा पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ। फिर थर्ड ईयर में क्या बोल रहा है, थर्ड ईयर में बोल रहा है 57.1/7% इंक्रीज हो रहा है, तो 57.1/7% का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 4/7%, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखिए दोस्तों इसका सिंबल जो हम दे रहे हैं इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है, अगर इंक्रीज होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर में इस नंबर को जोड़ेंगे, अगर डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर में से इस नंबर को हम लोग माइनस करेंगे, क्योंकि घट रहा है मतलब पहले कुछ और था, घटने के बाद उससे कम हो गया। फिर इसका क्या मतलब हुआ, इंक्रीज का मतलब कि पहले 7 था, बढ़ के कितना हो गया, 4 जोड़ देंगे। तो इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब यही हो रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग ओरिजिनल नंबर में इसको जोड़ेंगे, अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। इसका सिंपल सा मीनिंग है और इसका कुछ मीनिंग नहीं। अब इसको हम लोग क्या देखेंगे, पहले इसका पॉपुलेशन क्या थी और बाद में इसका पॉपुलेशन क्या है। पहला साल क्या बोल रहा है, 16.2/3% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है मतलब अगर 6 पहले थी तो बाद में इंक्रीज होगा, कितना जुटेगा, +1 जुटेगा, तो बाद में इसका पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, 7 यूनिट। फिर क्या बोल रहा है कि सेकेंड ईयर में डिक्रीज हो रहा है, मतलब अगर 8 पहले थी तो डिक्रीज कितना से हो रहा है, इतना परसेंट से हो रहा है, तो 8 का 37% 3 होता है, तो 8 में से माइनस करेंगे 3 को, क्योंकि ओरिजिनल नंबर तो हमारा यही है, तो डिक्रीज हो रहा है, इसका परसेंट ये हो गया, तो 8 में से 3 डिक्रीज करेंगे तो कितना माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। फिर थर्ड ईयर क्या बोल रहा है कि 57.1/7% इंक्रीज हो रहा है, मतलब अगर ओरिजिनल नंबर 7 है, इंक्रीज होने के बाद क्या होगा, 7 में 4 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 11 बनेगा, ठीक है। पहले 6, बाद में 7, फिर 8, बाद में 5, फिर 7 और 11 आ गया। तो इसमें जो कॉमन टर्म होगा उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। अब क्या बोल रहा है, ये कितना हो गया, 48 हो गया, 48 यूनिट हो गया, और ये क्या हो गया, 55 यूनिट हो गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है तीन साल के बाद देखिए कितना हो रहा है हमारा पॉपुलेशन, 55 यूनिट, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि तीन साल बाद हमारा पॉपुलेशन कितना हो जा रहा है, 1,65,000। तो ये जो 55 यूनिट है, ये जो 55 यूनिट है, इसको हम लोग 1,65,000 के बराबर लिख सकते हैं, मतलब 55 यूनिट बराबर कितना हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1,65,000। तो देयरफॉर 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 1,65,000 डिवाइड बाय 55। अगर इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 33,000, मतलब 1 यूनिट बराबर हो गया हमारा
3000, 1 यूनिट बराबर हो गया 3000, हमारा ओरिजिनल कितना है 48000, 48000 में अगर हम लोग 3 से गुना करेंगे 3000 से, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा 1,44,000। मतलब 3 साल पहले उस कॉलेज की पॉपुलेशन कितना थी, 1,44,000 थी। तो इस तरह दोस्तों हम लोग सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब दूसरे टाइप चलते हैं, एक और दूसरा टाइप बताते हैं आज आपको, वो है फेल पास। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या रहता है कि कोई स्टूडेंट कोई एग्जाम में अपीयर होता है, उसको इतना परसेंट मार्क्स आता है और कुछ नंबर से फेल हो जाता है, उसी एग्जाम में दूसरे स्टूडेंट को कुछ और परसेंटेज आता है और वो इतने नंबर से पास हो जाता है, तो बोला जाता है कि उसका टोटल मार्क्स कितना है, परसेंटेज मार्क्स कितना है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, ठीक है। पास फेल का ये टाइप, इसमें क्या बोल रहा है, इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। बोल रहा है ए स्टूडेंट स्कोर, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स एंड ही इज फेल्ड बाय 210 मार्क्स, ठीक है। एंड स्टूडेंट स्कोर इन द सेम एग्जाम 55% मार्क्स एंड ही इज पास्ड बाय 240 मार्क्स, देन फाइंड ए में बोल रहा है टोटल मार्क्स, बी में बोल रहा है पासिंग मार्क्स, सी में बोल रहा है पासिंग परसेंटेज, ठीक है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स एंड ही इज फेल्ड बाय 210 मार्क्स, मतलब एक एग्जाम में एक स्टूडेंट ने 25% स्कोर किया और वो 210 नंबर से फेल हो जाता है, उसी एग्जाम में एक स्टूडेंट ने 55% मार्क्स स्कोर किया और ही इज पास्ड बाय 240 मार्क्स। ही इज पास्ड बाय 240 मार्क्स का क्या मतलब होता है कि 55% जो उसने हासिल किया वो 240 नंबर से पास किया, मतलब जो पासिंग मार्क्स था उससे उसको कितना आया, 240 नंबर अधिक आया। तो बोल रहा है कि उस वो जो एग्ज़ाम था वो टोटल मार्क्स उस एग्ज़ाम का कितना था, उसका पासिंग मार्क्स कितना था और उसका पासिंग परसेंटेज कैसे कितना था, ये हम ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें क्या बोल रहा है कि पहला जो स्टूडेंट है वो कितना परसेंट मार्क्स ला रहा है, 25% मार्क्स ला रहा है, मतलब 25% मार्क्स अगर लाता है तो फेल कितने से हो रहा है, तो वो फेल हो रहा है 210 नंबर से। मतलब कहने का मतलब ये है अगर 25% में 210 मार्क्स जुड़ जाता तो ये बंदा पास हो जाता, लेकिन ये 210 नंबर से वो फेल हो रहा है। फिर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक बंदा 55% मार्क्स ला रहा है, और वो क्या कर रहा है कि 240 नंबर से पास हो रहा है, मतलब जो पासिंग मार्क्स था उससे इसको 240 नंबर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन के बाद फिर से समझेंगे, क्वेश्चन में क्या रहा है, एक बंदा 25% मार्क्स ला रहा है, 25% मार्क्स ला के वो फेल कितने से हो जा रहा है, 210 नंबर से फेल हो जा रहा है। फिर एक दूसरा बंदा क्या हो रहा है, उसी एग्जाम में 55% स्कोर कर रहा है और फेल कितने से हो जा रहा है, 240 नंबर से हो रहा है, तो बोला उसका टोटल एग्जाम था। अब यहाँ क्या देखना है, 25% मार्क्स ला रहा है, फेल हो जा रहा है 210 नंबर से, और 55% जब मार्क्स लाता है तो 240 नंबर अधिक लाता है। कहने का मतलब ये है कि 25% से 55% आने के बीच में इसको टोटल मार्क्स कितना होता है, अगर 25% से 55% के बीच देखा जाए तो टोटल मार्क्स कितना हो गया, 210 + 240, यही तो टोटल मार्क्स है।
मतलब 25% से 55% के बीच कितना हुआ, 30% हो गया। 30% हमारा कितना मार्क्स के बराबर है, तो 210 मार्क्स प्लस 240 मार्क्स, मतलब 30% जो है, 30% कैसे आया, 55 में मैंने 25 कर दिया, मतलब इसके और इसके बीच कितना परसेंटेज है, तो 30% है। टोटल मार्क्स कितना है, तो 210 मार्क्स प्लस 240 मार्क्स, मतलब 30% जो है, पहले परसेंटेज हम लोग यहाँ माइनस करेंगे, क्योंकि हमको टोटल परसेंटेज निकालना है इसके बीच का, और मार्क्स क्या करेंगे हम लोगों को ऐड करना, क्योंकि इसके बीच हमको मार्क्स निकालना है। हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 55% माइनस 25% इक्वल टू क्या होगा, 210 प्लस 240, ये हमारा कितना हो गया, 30% बराबर कितना हो गया, 450 मार्क्स हो गया। हम लोगों ने क्या देखा इसमें कि 25% से 55% के बीच कितना होता है, 30% होता है, मतलब 25% में 30% जोड़ेंगे तो हमको 55% मिलेगा। अब इतना लाने के लिए इसके बीच में टोटल मार्क्स कितना है, तो 210 नंबर है प्लस 240 नंबर है, मतलब 30% बराबर हमारा क्या आ गया, 450 मार्क्स आ गया। तो 1% बराबर कितना होगा, 450/30, मतलब 50 मार्क्स आएगा। 1% का मतलब 50% हो गया। टोटल मार्क्स क्या बोला, तो टोटल मार्क्स कितना होगा, तो 100% होगा। तो ए नंबर 100% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर 15, तो 100% बराबर होगा 100 × 15 = 15,000। ये हो गया हमारा टोटल मार्क्स हो गया। अब बोला कि पासिंग मार्क्स कितना है, देखिए पासिंग मार्क्स निकालना होगा तो क्या होगा, या तो हम 25% को मार्क्स में कन्वर्ट कर लें, 25% को अगर मार्क्स में कन्वर्ट कर लेंगे और उसको 210 में जोड़ेंगे तो हमको पास मार्क्स मिल जाएगा। तो बी नंबर क्या बोल रहा है, 1% बराबर कितना हो गया, 1% बराबर कितना हो गया, 1% बराबर हो गया 15 मार्क्स, तो 25% बराबर क्या हो जाएगा, 55 × 15, इसका जो आंसर आएगा 585 मार्क्स होगा। मतलब उस एग्जाम का पासिंग मार्क्स हमारा कितना था, 585 मार्क्स था। अब सी नंबर में क्या बोल रहा है, सी नंबर में बोला है पासिंग परसेंटेज कितना है, तो पासिंग परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, अगर 210 नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें, उसके बाद 25% में अगर उसको जोड़ दें, तो हमारा क्या निकल जाएगा, पासिंग परसेंटेज निकल जाएगा। तो 1% बराबर क्या है, 1% बराबर अगर 15 मार्क्स है, ठीक है, तो 210 ऐसे कर सकते हैं, 15 मार्क्स बराबर 1% है, तो 210 मार्क्स बराबर क्या होगा, 210/15 बराबर कितना होगा, 40% हो जाएगा। 210 नंबर कितने परसेंटेज के बराबर होगा, 14%, तो पासिंग परसेंटेज पूछा जा रहा है, देयरफॉर पासिंग परसेंटेज बराबर होगा 25 + 14% बराबर 39%। तो इस तरह हम लोग इस तरह के एग्जाम्पल को बनाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, धन्यवाद। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।